डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, टेंथ क्लास के लिए जो हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसमें जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था मनुष्यों में पोषण, यानी कि मनुष्य अपना पोषण कैसे करते हैं, वे अपने भोजन कैसे बनाते हैं, उनके पाचन क्रिया किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहां तक सीखे थे कि सबसे पहले आहार नाल से जो भोजन हो जाता है वो कहां जाती है, तो अमाशय में जाती है, और अमाशय से जो पाचक रस प्राप्त करके भोजन और फिर क्षुद्रांत्र में जाती है, और ये क्षुद्रांत्र बहुत ही बड़ा लंबा भाग होता है पूरे आहार नाल का। ठीक है, यहां तक के हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए उसके आगे भी और कुछ पॉइंट्स बच गया था, उसको पॉइंट वाइज नोट करेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिसमें उस पर एंजाइम का कार्य करना जिसमें उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, सब बात समझाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस रहते पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे अग्न्याशयिक रस का श्रवण करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थित होता है। देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम याद रखिएगा, प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थित होता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे पचा हुआ भोजन को आत्र बोलते हैं ना सिंपल भाषा में, उसी को आत्र लिखा जाता है और आत पढ़ते हैं। ठीक है, आत्र पचा हुआ भोजन को आत्र अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट एरो देंगे, क्षुद्रांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिसे दीर्घ रोम कहा जाता है
ये कहाँ होता है? क्षुद्रांत्र के अंदर अंगुली जैसा प्रबंध होते हैं जिसे दीर्घ रोम कहा जाता है। नेक्स्ट अर्ग देंगे, बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। बृहदान्त्र देखिए ऐसे, बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। कौन सा भोजन? बिना पचा हुआ भोजन। तो एरो देकर क्या लिख रहे हैं हम लोग? बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। जहां दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेता है, पूर्णविराम, तथा अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। चलिए अब हम लोग सब चीज को समझेंगे कि आखिर आगे का जो बचा हुआ है वो हम लोग कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो भोजन हम लोग लेते हैं तो ये तो बहुत डिपली हम लोग पढ़े हुए कि भोजन को दांत चबाकर छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है। लार में पाए जाने वाला लाला ग्रंथि से निकलने वाला लार एंजाइम उस भोजन में मिल जाता है, उसको चिकना कर देता है और ताकि आहार नाल में अच्छे से भोजन आ सके अमाशय तक। तो सबसे पहले भोजन अमाशय तक जाता है, अमाशय की भित्ति से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है एक पाचक रस के रूप में, एक पाचक रस शामिल हो जाता है और फिर अमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में आता है। दोस्तों जैसे ही क्षुद्रांत्र में आया तो उसको बड़ी बड़ी गोलिकाएं मिली, यानी कि जैसे मान लिया कि हम लोग कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो वहां से हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप कहीं दूसरे जगह पे जाएं जहां कभी नहीं गए हैं, जहां पे कोई लोग आपके परिचित नहीं हो, तो वहां पे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय के बाद वहां पे रहें आप तो वो चीजें नॉर्मल हो जाती है। सेम थिंग्स होता क्या है, जैसे ही क्षुद्रांत्र में वो भोजन जाता है तो उसको बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में प्राप्त होती है, उसके सामने बड़ी बड़ी गोलिकाएं मिलती हैं। कहां ये? तो वसा को पचाने के रूप में काम करती है, जो कि उस भोजन के लिए एक मुश्किल का काम होता है। यानी कि जैसे ही भोजन क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है तो वहां पे वसा को पचाने के लिए, वसा को पाचन करने के लिए बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है जो भोजन को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। अब उससे वो निकलता है आगे भोजन, किससे? तो बड़ी बड़ी गोलिकाओं से होते हुए भोजन जो है आगे निकलती है, लेकिन इस पर कार्य करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये रास्ता थोड़ा सा भोजन को गुजरने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आगे निकलता है और आगे निकलने के बाद अग्न्याशय में जाता है जहां पे अग्न्याशयिक रस को श्रवण किया जाता है। यानी क्षुद्रांत्र के बाद जो है भोजन अग्न्याशय में जाता है जहां पे अग्न्याशयिक रस को श्रवण करने का काम करता है और वहां पे एक एंजाइम करता है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को अवशोषण करता है, या बोले तो प्रोटीन को पाचन में सहायक है ये ट्रिप्सिन एंजाइम। आप याद रखिएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है? तो प्रोटीन को पचाना। वसा को पाचन करने में बड़ी बड़ी गोलिकाएं सम्मिलित की जाती है, जबकि प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम
लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रिप्सिन एंजाइम, ये किसके लिए, तो प्रोटीन के पाचन के लिए। ठीक है, फिर हम लोग उसके बाद जो लिखे हैं कि पोचन सॉरी भोजन का जो बचा हुआ भाग होता है, यानी कि जो भोजन पच चुका होता है वो आंत, आंत के, चूंकि वो भोजन आंत में से ही गुजरता है तो आंत की जो भीति होता है उसके उसके द्वारा वो भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि जैसे ये ट्यूब है और इस ट्यूब में भोजन गुजर रहा है तो इसका अंदर का जो पार्ट है भोजन को अवशोषित कर लिया, पचा हुआ भोजन, यानी कि पचा, इतना हम लोगों के अच्छा अंदर मशीन है गॉड गिफ्टेड द्वारा ना, कि हम लोग इतना टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना भोजन को तो वो बिल्कुल रस करके निकलेगा। कभी जूस को देखते होंगे, जूसर मशीन को, कि जैसे ऊपर हम लोग किसका नारंगी को डालते हैं वो कैसे वो बाहर करता है। ठीक है, तो रस को एक तरफ और उसके अलावा अन मटेरियल को एक तरफ, सेम थिंग यहां पे उसी तरीके से आंत जो है पचा हुआ भोजन से को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़े कि क्षुद्रांत्र में एक अंगुली जैसा प्रवर्द पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए हम लोग जब किसका हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे अमीबा का, अंगुली जैसा ये प्रवर्द होता था भोजन को पकड़ने के लिए, हम लोग फिगर भी ड्रॉ किए हैं। तो वहां पे हम लोग सीखे हैं कि जैसे अमीबा में अंगुली जैसा प्रवर्द होता है ना, तो हमारा क्षुद्रांत्र में भी अंगुली जैसा प्रवर्द बना हुआ होता है, उस प्रवर्द को हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल आता है कि आप दीर्घ रोम से क्या समझते हैं। हम बोलेंगे कि क्षुद्रांत्र में अमीबा जैसे अंगुली जैसा प्रवर्द पाया जाता है और उसी प्रवर्द को हम लोग दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े कि जो बिना पचा हुआ भोजन है जिसको हम लोग मल के, मल भी बोल सकते हैं, जैसे मलमूत्र भी बोल सकते हैं उसको, तो बिना पचा हुआ भोजन है जिसको वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, खराब पदार्थ बोलते हैं, वो क्या किया जाता है, तो शरीर के गुद्दा तक लास्ट होता है। हम बताए हैं कि भोजन का जो रास्ता है वो आहार से लेकर, आहार मन मुंह से लेकर पूरा आहार नल गुद्दा तक जाता है, पूरा गुद्दा तक जाता है और लास्ट पार्ट होता है गुद्दा, और वही गुद्दा से हम लोग मल मूत्र का त्याग करते हैं, यानी कि वो हमारे लिए अवांछनीय पदार्थ होते हैं, उसका हमारे शरीर में अब कोई काम नहीं रह जाता है, फिर उसको मलमूत्र के माध्यम से हम उसको बाहर करते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये जितने भी टॉपिक्स हम लोग मनुष्यों के में पोषण पढ़े, हर टॉपिक्स, हर पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर पॉइंट्स को आप याद रखिए कि कौन सा एंजाइम किसका काम करता है, सबका डेफिनेशन भी सब इसी में छुपा हुआ है। तो आप हर चीज को पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं, आपको हर टॉपिक्स हर पॉइंट्स को पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए एक बात और जानते हैं जो रोचक बातें हैं, कि हमारे पूरे शरीर का, पूरे बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, अगर कोई पूछता है तो सबसे कठोर पदार्थ का नाम है इनेमल। क्या नाम है? इनेमल। वो कहां होता है? तो आप कभी मुंह फाड़िए तो ऊपर वाला जो तलवा होता है ना, जिसको तालू कहते हैं, आप हिंदी व्याकरण में च ट ये सब बोलते होंगे ना, तो जीभ जो है किसको टच कर रहा होगा? तालू को। जैसे ट त प प बोलने में तो ओठ का हो रहा है ना, क तो कंठ हो गया, ट ठ ड ये सब बोल रहे हैं ना, तो जीभ पलटा रहा है, पलटा कर और वो तालू को टच कर रहा है, ऊपर वाला भाग को टच कर रहा है ट, तो जीभ किसको टच किया? ऊपर वाले लेयर को। वही लेयर है आपका इनेमल। आपको पता होना चाहिए शरीर का सबसे मजबूत भाग है, पूरे शरीर में हड्डी से भी ज्यादा मजबूत ये इनेमल है, ऊपर इनेमल कहते हैं ऊपर वाले को, है ना। तो अच्छा, इनेमल तो पता चल गया कि पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है, इनेमल, सबसे मजबूत। और दूसरा कि इनेमल धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए देखते होंगे कि जब धीरे 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 लोगों की उम्र घटती जाती है, मतलब कि
तो उनका दंत क्षरण होते जाता है, यानी जिसको हम लोग दांत का गिरना भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका इनेमल कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो दांत लगा हुआ है ना हम लोगों का, ये तो ये इसको कौन टांगे हुआ है? तो इनेमल वो पकड़ा हुआ है। अगर इनेमल की शक्ति अगर कमजोर पड़ेगी तो दांत एक्चुअली टूटने लगता है। तो वृद्धावस्था में क्या होता है, इनेमल बहुत कमजोर पड़ जाता है, जिसको जिससे कारण क्या होता है, दंत क्षरण होने लगता है। दंत क्षरण का मतलब दांत गिरने लगता है। ठीक है, तो ऐसे तो अगर बात किया जाए तो दांतों का गिरना एक यूथ अवस्था, जैसे मान लिया कि एक बचपना में भी दांत गिरता है, टोटल दांतों की संख्या 32 होती है, लेकिन 20 दांत ही उस बाद में पुनः निकलते हैं जो जिंदगी भर रहते हैं। यानी कि 20 दांत आपको टूटता है, जिसको दूध वाला दांत भी बोला जाता है, दूधा भाते वाला दांत, वो टूटता है और फिर दूसरा निकलता है, और जो दूसरा निकलता है ना वो अब लाइफ भर चलता है। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए वो दांत क्लियर हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम यहां बताना चाह रहे हैं कि जो लाइफ टाइम के लिए दांत होती है ना, वो अगर टूटता है तो फिर दंत क्षरण का आप शिकार हैं, आपका इनेमल की शक्ति, पकड़ने की शक्ति, आपकी इनेमल कमजोर पड़ गई है। ठीक है, तो यहां पे नोट में करके एक बात लिख लीजिए, नोट में लिख लिया जाए, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इनेमल। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, नोट का ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, इनेमल का धीरे धीरे मृदुकरण होने के कारण दंत क्षय होने लगता है। ध्यान दीजिए, मृदुकरण का मतलब क्या होता है कि मृत, धीरे धीरे वो मरने लगता है इनेमल, इनेमल कमजोर पड़ने लगता है, सिवाय क्या होता है, दांत गिरने लगता है, दांत का गिरना शुरू हो जाता है, जिसको दंत क्षय बोल सकते हैं कि दंत क्षय होने लगा। किसके वजह से? क्योंकि इनेमल का मृदुकरण होने लगा, इनेमल कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, तो ये नोट में करके एक दो अदर पॉइंट थे जिसको याद करने का जरूरत है। तो अब हम लोग आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के हम लोग बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के जो बीच में क्वेश्चंस होता है ना प्रश्न के तौर पे, चलिए आइए हम लोग प्रश्न उत्तर का हम लोग करते हैं। तो प्रश्न में अब आपको मिल रहा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख लीजिए, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? उसके नीचे उत्तर लिखेंगे, उत्तर, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। अब निम्नलिखित अंतर क्या क्या हो सकता है, तो आप एक तरफ लिखिएगा स्वपोषी पोषण और दूसरे तरफ लिखिएगा विषम पोषी पोषण, ठीक है। इसका नंबर वन तो इसका नंबर वन, इसका नंबर टू तो इसका नंबर टू, इसका नंबर थ्री तो इसका नंबर थ्री, ऐसे ना हम लोग अंतर करते हैं। तो हालांकि हम लोग पढ़े हैं स्वपोषी और विषम पोषी, कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
स्वपोषी कहलाते हैं। तो लिखिएगा पहला पॉइंट में, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पहला में क्या लिखेंगे, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें लिखिएगा इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। ये आपका फर्स्ट पहला अंतर कंप्लीट हो गया। दूसरा में लिखा जाए, दूसरा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है अतः ये हरे होते हैं। दूसरा में लिखेंगे विषम पोषी पोषण में, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। अतः ये हरे नहीं होते हैं। तीसरा में लिखेंगे, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर था जिसको हम लोगों ने किए। हालांकि स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो ये अंतर पूछ रहा था, हम लोगों ने अंतर किया। चलिए अब प्रश्न संख्या दो को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो दूसरा प्रश्न बोल रहा है, लिखेंगे क्वेश्चन दूसरा में, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। बोल रहे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्री होती है, कच्ची सामग्री का मतलब कौन कौन सा, जल और जड़ों द्वारा खनिज लवण प्राप्त किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना पेड़ पौधों के लिए जरूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो ये जो कच्ची सामग्री है पौधे कहां से लेते हैं, तो जल जो है मिट्टी से लेते हैं, खनिज लवण मिट्टी से लेते हैं, और हवा से, वायु से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये उसके लिए कच्ची सामग्री हो गया। तो आंसर लिखेंगे, आंसर लिखा जाए दूसरा का, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, पूर्ण विराम वे
जल तथा खनिज लवण मिट्टी से प्राप्त करते हैं? वे जल तथा खनिज लवण मिट्टी से प्राप्त करते हैं तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो समझ पा रहे होंगे, सवाल बोल रहा था कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कच्ची सामग्री जो होती है पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। तो कच्ची सामग्री का मतलब समझिए आप कि कच्ची सामग्री पौधे के लिए क्या क्या हो सकता है प्रकाश संश्लेषण में जरूरी होती है वो। तो पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कि जल भी जरूरत होती है, और तीसरा खनिज लवण। खनिज लवण का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पढ़े थे मिट्टी से जो पौधों की जड़ें होती है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस भी प्राप्त करते हैं, तो वह एक खनिज लवण का काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण, और ये कच्ची सामग्री कहलाया। और ये कहां कहां से प्राप्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से प्राप्त हुआ और जल और खनिज लवण ये मिट्टी से प्राप्त हुआ। तो बोल रहा था कि ये जो कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये कहां कहां से लाया जाता है, तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और मिट्टी से जल और खनिज लवण प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा क्वेश्चन लिख लिया जाए, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तीसरा क्वेश्चन, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, ये क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन का भी डिस्कस हम लोगों ने किया था मनुष्य के पोषण में। आप टॉप पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िएगा ना, तो सब चीज लिखा हुआ है। हम लोग लिखे हैं दोस्तों कि अमाशय के कोशिका भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो एक पाचक रस के रूप में भोजन के साथ मिल जाता है, ताकि भोजन क्या हो, आसानी से पच सके। तो सवाल यही बोल रहा है कि जो अमाशय में अम्ल पाया जाता है, अम्ल मौजूद होता है, अम्ल निकलता है कोशिका भित्ति से, उसका क्या भूमिका है, वह क्या काम करता है। तो सिंपल हम लोग तो जानते भी हैं कि अमाशय के कोशिका भित्ति से जो अम्ल निकलता है उस अम्ल का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ एक पाचक रस के रूप में मिल जाता है, ताकि भोजन आसानी से पच सके। ये हम लोग साफ साफ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम लोगों को याद भी होना चाहिए। वहां पे इससे जुड़ा एक और चीज लिखे हुए हैं कि अगर हमारे पेट में या अमाशय में वही HCl का मात्रा बहुत ज्यादा हो गया तो फिर हम लोग एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये सब सारा मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं हरेक पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। चलिए तीसरा का क्वेश्चन तो हो गया ना कंप्लीट, आंसर लिखा जाए। लिखेंगे आंसर, हमारे अमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होती है, जो एक पाचक रस का कार्य करती है,
पाचक रस का काम करती है। पूर्ण विराम, यह भोजन के साथ मिलकर, यह भोजन के साथ मिलकर भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। तो वही बात है, जठर ग्रंथियां से HCL की मात्रा निकलती है जो एक पाचक रस का काम करता है और भोजन के साथ मिलकर। तो यही भूमिका था आमाशय में, जो निकलने वाला अम्ल है उसका यही भूमिका है, उसका यही काम है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या इसमें टोटल 5 है, जिसमें से 3 प्रश्न उत्तर हम लोगों ने किया है, बाकी का 2 प्रश्न बच गया है और आगे की कुछ बातें और भी है, तो उस बातों को हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।